हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास एट्थ। टुडे वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज हिस्ट्री चैप्टर 1, व्हेन, वेयर एंड हाउ। इन दिस चैप्टर लेट अस सी व्हाट टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर, दैट इज ब्रिटिश पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इट मीन्स द एक्ट ऑफ डिवाइडिंग हिस्ट्री इंटू पीरियड्स। नेक्स्ट इज कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। व्हेन वन कंट्री इज रूल्ड बाय अनदर, मैनी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस टेक्स प्लेस इन द कॉलोनाइज कंट्री। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉलोनाइजेशन। मेजर डेवलपमेंट्स इन इंडिया अंडर कॉलोनियल रूल, व्हाट चेंजेस? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल। नेक्स्ट सोर्सेज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मीन्स what are those sources through which we are going to study, that are administrative sources and non-administrative sources. So if we see periodization, which is done by James Mill, he has divided into three parts, that is Hindu, Muslim and British. Now let us see timeline. Let me tell you what is a timeline. A graphical representation of a period of time on which important events are marked. I hope you have done in your maths subject and you have done graph also. Next, let us see the timeline. 1600 CE, setting up of this EEIC. What is EEIC? East India Company. It was formed for the exploitation of trade with East and Southeast and India. मीन्स कि इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी वो एक्सप्लॉइट करने के लिए ही की गई थी, ठीक है, इस कंपनी की फॉर्मेशन, ठीक है, किसका एक्सप्लॉयटेशन? ईस्ट, साउथ ईस्ट और इंडिया। फॉर्मेशन तो इसकी 1599 AD में ही हो गई थी, बट इसकी जो फाउंडेशन रखी गई वो 31 दिसंबर 1600 में रखी गई थी, ठीक है। नाउ क्वीन एलिजाबेथ ऑथोराइज दिस, गेव अथॉरिटी टू EEIC टू ट्रेड इन द ईस्ट, and it was started as a monopolistic trading body. Monopoly, I told you, monopoly means which who have exclusive rights over someone, ठीक है, किसी के ऊपर उसके exclusive rights हो जाना, someone or something or somebody, okay. Next, it is given 1707 CE, that is death of Aurangzeb. Then in your timeline you can see 1877 CE, coronation of Queen Victoria as Empress of India. Coronation, what is that? An official ceremony at which somebody is made a king or queen. It means she was declared a queen. When? In the year 1877. Next is 1885. In this, Indian National Congress is set up, which in short form we say INC. And last but not least in the timeline, in 1947 CE, India gains independence. Now let us finish the history maker also, Deenbandhu Mitra, who was a Bengali dramatist, and between the time of 1829 to 1874 he wrote the drama, or you can say play, which was called Neel Darpan, ठीक है, नील, which highlighted the exploitation of farmers who were forced to grow indigo instead of food crops under the Ryotwari system introduced by the British. Later, in the further chapters we are going to study this, but I can tell you in brief कि in this drama he has shown what कि there was one system that was called Ryotwari system which was introduced by British. और इस सिस्टम में क्या था कि फार्मर्स को फोर्स किया जाता था कि आप किसका कल्टीवेशन करोगे, इंडिगो का कल्टीवेशन करोगे, इंडिगो एक कलर होता है, ठीक है, फूड क्रॉप्स की जगह उनको फोर्स किया गया कि आप इंडिगो का कलर का क्या करो, कल्टीवेशन करो। और जब हम ऐसे कलर्स का कल्टीवेशन करते हैं तो उससे सॉइल क्या हो जाती है, इरोड होने लगती है, ठीक है, सॉइल पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाती है और अब जो उसका जो ऑर्गेनिक मैटर है वो रिड्यूस होने के उस पर आ जाता है, ठीक है, बिल्कुल रिड्यूस हो जाता है, जिससे अब वहाँ पर आप दूसरी कोई भी कल्टीवेशन जो है प्रॉपरली नहीं कर सकते। सो दिस वर्क शेड्स लाइट ऑन द रीजंस बिहाइंड द इंडिगो रिवोल्ट दैट टुक प्लेस इन 1859 इन बंगाल। तो यहाँ से हमें कुछ रीजंस मिलते हैं कि क्यों इंडिगो रिवोल्ट हुआ था 1859, कब, कहाँ पर, बंगाल में हुआ था ये, और कब हुआ था, 1859 में हुआ था। तो यहाँ से हमें रीजंस मिलते हैं।
कि जब आप इस तरह के कल्टीवेशन टेक्निक्स फॉलो करते हो और फूड क्रॉप्स की फॉलो नहीं करने देते हो, तो वहाँ पे किसकी लैकिंग, किसकी फूड की लैकिंग हो जाएगी, ठीक है। सो हेयर वी हैव कम्प्लीटेड द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ हिस्ट्री, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट।